एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे जो ना मैं एंजॉय कर रही हूँ अभी जो ना अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चों ने यहाँ पे एक तो पहले तो ये इंजॉय कर रही हूँ कि बच्चों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसी कर दिया सारा कुछ। लेकिन बच्चों की जो शरारतें हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं मेरी लाइफ में, तो साथ में इसलिए मैं इनको अभी कुछ भी नहीं कह रही थी। तो फिर मैंने आशिर की जो शरारतें वगैरह थी ना, और बच्चों की जो मेरी बेटी और उसके साथ जो मिलके दोनों शरारतें कर रहे थे, वो सारी मैं इंजॉय कर रही थी। तो सोचा थोड़ा सा क्लिप ले लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छा जी, आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ दही भल्ले। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दही भल्ले किस मौसम के और किस लिए बन रहे हैं। बस ये वैसे ही दिल किया और दिल जब करे ना किसी भी चीज़ का तो बस फ़ौरन से बना लेने चाहिए कोई भी चीज़ मौसम का, और जो है ना वेट नहीं करना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने सोचा कि मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इस टाइम पर दिन में, तो दिन का टाइम था और मैं घर पर अकेली थी, तो फिर मैंने अपने लिए जो है दही भल्ले बनाया था और हस्बैंड के लिए जो है वो मैंने रख दिया था। उनको मैंने पिक बना के सेंड कर दी थी कि आपके लिए भी मैंने दही भल्ले बना के रखा है, तो मैंने सोचा कि उनको भी बता देती हूँ ताकि उनको आइडिया हो जाए कि आज जो है ना घर में खाने में जो है वो क्या बनाए। वरना वो जब भी आते हैं ना तो पूछते हैं कि क्या कुछ स्पेशल है या नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि उनको भी मैं बता देती हूँ। दही भल्ले की रेसिपी जो है वो मैं ऑलरेडी जो है काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ अपने चैनल पर जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, तो अभी जो है ना मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही। जिनको मेरे दही भल्ले की रेसिपी चाहिए तो वो काइंडली मेरे जो रमज़ान वाली जो मेरी जो व्लॉग्स हैं उनमें मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर किया हुआ है, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और दही भल्ले बनाना बहुत ईजी है और बहुत मज़े के, और बहुत ही ज़्यादा मज़े के और टेस्टी ये बनकर रेडी हुए थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। अच्छा जी, आगे आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ जो हैं वो मैं शेयर करने वाली हूँ, और मेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग कंडी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप सबकी सपोर्ट होगी तभी तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है वो लेकर आती रहूँगी मैं। और रेसिपीज़ जो होंगी वो बकरा ईद के हवाले से होंगी, और ज़रूर जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों के साथ जो है ना मेरी हर रेसिपी जो है वो शेयर हो सके, आप लोगों तक मेरा जो व्लॉग होता है वो इजीली जो है वो पहुंच जाया करे। तो इंशाल्लाह ईद के हवाले से जितने मेरे व्लॉग्स होंगे, जो जो कुछ ईद की मेरी अपडेट्स वगैरह होंगी, वो सारी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज ना मैंने दही भल्ले इसलिए बना लिए थे क्योंकि मेरा आज खाना बनाने का बिल्कुल भी कोई मूड नहीं हो रहा था, कुछ न्यू कर लेने का कुछ दिल चाह रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ बना लूँ जिससे पेट भी भर जाए और भूख भी ना लगे और खाना भी ना बनाना पड़े। तो बस जल्दी से ना मैंने फिर बस जल्दी से दही भल्ले ही बना लिए थे, क्योंकि आजकल जो है काम का बर्डन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ हुआ है ईद की वजह से, क्योंकि ईद की तैयारियां जो है वो चल रही हैं और बच्चों के भी साथ साथ काम होते हैं दिन भर के, और इसी वजह से ना बस थकावट सी हो जाती है, क्योंकि साथ में व्लॉग भी शूट करना होता है और व्लॉग बनाना कोई इतना ज़्यादा आसान काम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है, और साथ में काम करना और साथ में व्लॉग बनाना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, रूटीन भी वैसे भी टफ़ हुई पड़ी होती है हमारी। और जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम लोगों ने कुर्बानी के लिए जानवर वगैरह ले लिए या नहीं लिए, तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ ये बात भी शेयर कर दी है, तो जिन लोगों को नहीं अभी तक पता तो वो काइंडली जाके मेरा लास्ट वाला जो व्लॉग है वो जाके जल्दी से वॉच कर लें जिन्होंने अभी तक वॉच नहीं किया। और आज जो है ईद से पहले एक लास्ट डे है, और आज का जो आखिरी दिन होता है ना उस दिन बहुत ज़्यादा छोटे मोटे काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, और बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी भी थी, तो लेकिन वॉइस ओवर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आप लोगों के साथ, अपना व्लॉग अपडेट भी देनी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि अब आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बनते जा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपनी रूटीन जो होती है वो शेयर करके। और अच्छा, उसके बाद ना फिर शाम में जो है ना सारे काम वगैरह करके मैं फ्री हो गई थी, तो फिर मैंने शाम में सोचा क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही थी और बच्चे भी कह रहे थे मामा हमें बहुत भूख लग रही है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे स्नैक्स बना लिए थे, और ये स्नैक्स देख के ना बचपन की याद आ जाए। मैं लास्ट टाइम जब मार्केट में गई थी ना तो मेरी नज़र पड़ गई थी इन स्नैक्स के ऊपर, तो फिर मैंने बच्चों के लिए बाय किए थे और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। अच्छा, इसमें एक और स्नैक्स होते हैं वो थोड़े से ऑयली रह जाते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल रह जाता है, जो इस शेप के स्नैक्स होते हैं ना इनमें ऑयल जो है ना बिल्कुल नाम जरे का भी नहीं रहता, और बहुत मज़े के ये बनकर रेडी होते हैं। तो बस इसके बाद ही हम लोगों ने शाम की चाय जो है वो इंजॉय की थी, और शाम की चाय के बाद ना फिर मैंने रात का खाना बना लिया था। रात के खाने में आज मैं अरवी का सालन बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड को जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं खा लेती हूँ लेकिन इतना ज़्यादा मुझे नहीं है पसंद अरवी का सालन। लेकिन फिर ना मैंने कहा नहीं, अब हस्बैंड जो है वो लाए हुए थे अरवी, तो मैंने कहा ये वेस्ट जा रही है तो इसको जल्दी से आज बना लेते हैं खाने में। तो सब्जी में आज जो है हमारे घर में बनी थी जी अरवी, और किस किस को ना अरवी का सालन जो है वो पसंद है तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है शेयर कीजिएगा आप लोग। और बस ये अरवी बनने में अब थोड़ा सा टाइम रह गया था गलने में, और इसके बाद जो मेरा सालन जो है बनकर रेडी हो गया था रात के लिए। और
बहुत ईजी है अरवी बनाना, इसलिए इसकी रेसिपी जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। और शाम में बस मैंने सालन रात के लिए बना दिया था, तो फिर उसके बाद हस्बैंड जो आज जल्दी आ गए थे और बच्चों ने जिद लगाई थी बाबा हमें जो है काओ और बुफेलोस जो है देखने जाना है, गोट्स देखने जाना है, तो फिर वो हमें लेकर यहाँ पे बाहर बाज़ार में लेकर आए थे। तो बाहर हमारे घर के बाहर ना बहुत बड़ा बाज़ार है, तो वहाँ पे कह रहे थे कि छोटी सी मंडी लगी हुई है, तो आओ मैं तुम लोगों को सबको दिखा के ले आता हूँ। और छोटा सा क्लिप यहाँ पर मैंने लिया था, गाड़ी में से ही लिए थे छोटे छोटे क्लिप्स, क्योंकि बच्चों को हम लोगों ने नहीं नीचे उतारा था, क्योंकि डेंजरस होता है, बच्चे डरने का भी बच्चों का खतरा होता है। तो बस दूर से बच्चों को ये दिखाए थे, बच्चों ने इंजॉय किया था और मैंने खुद भी जो है ना थोड़ी सी मंडी देख ली थी। और बकरा ईद पे ये ना देखें तो मज़ा नहीं आता। तो बस जी, उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और ये है फिर रात का टाइम और लेट नाइट में रात में हम सब ने स्नैक्स खाए थे। और मैं जो है स्पाइसी खाती हूँ, मसाला वाले जो स्नैक्स होते हैं वो खाती हूँ। और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बैठे हुए थे, वो अपनी आइसक्रीम लाए थे साथ में और आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे और साथ में स्नैक्स खा रहे थे। ये था बस जी छोटा सा आज का मेरा व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।